करोना महामारी ने जिथे संसार भर के प्रकोप लिया हैगा, पूरे संसार भर के करोना वायरस की जी महामारी है वह फैली हैगी है, उत्थे भारत के पंजाब दे विच भी फैली है। करीब मार्च की 23 तरीक तो लॉकडाउन पंजाब दे विच हुण कुछ राहत मिली सी, पर फिर ये दोबारा जिहड़ा करोना वायरस के पेशेंट मरीज जिहड़े ने वो पॉजिटिव आउण की गिणती वध चुकी हैगी आ। इस वेले साडी NKNTV की जिहड़ी टीम हैगी आ, जिला नवांशहर दा ढाहा गुरु नानक मिशन होस्पिटल है, असी इत्थे हाँ, इत्थे एकांतवास सेंटर बनाया हैगा। आओ मिलदे हाँ इत्थे डॉक्टर साहिबाना नूं, मेरे नाल ने इस वेले डॉक्टर प्रियंका जी। सब तो पहला सत श्री अकाल जी। जिवें ये सेंटर तुहाडे कोल हैगा एकांतवास सेंटर, जां इहनूं आपां आइसोलेशन वार्ड कह दिंदे आ, इहदे विच इस वेले किन्ने पेशेंट्स पॉजिटिव हैगे ने? इस टाइम साडे कोल 14 पेशेंट्स हैगे जिहड़े अंदर ट्रीटमेंट हैगे आ, पॉजिटिव पेशेंट्स 14 इस वेले। तो जिहड़े मैडम जी इत्थे मरीज़ तुहाडे कोल आ जांदे ने जिहड़े पॉजिटिव आ जांदे ने, उह ठीक हो के भी घर गए ने? ठीक होया तो ही उन्होंने डिस्चार्ज करीदा, जदों दे पेशेंट दा सैंपलिंग डेट हुंदी जिहड़ी उस दिन तो लैके 11 दिन तक पेशेंट नूं इत्थे रखदे आ, फिर उन्हां दी क्लीनिकल स्टेज दे हिसाब नाल जिवें उन्हां दी स्टेज हुंदी उस हिसाब नाल उन्हां नूं डिस्चार्ज करीदा। ट्रीटमेंट दा, उन्हां दी डाइट दा, न्यूट्रिशन दा प्रॉपर ख्याल रख्या जांदा। मैम जिवें बहुत सारे लोग इदां दे ने जिन्हां नूं तुहाडे आशा वर्कर्स ANMs घर घर जाके जदों पुछदे ने खांसी तां नहीं जुकाम तां नहीं, कईयां नूं हुंदी भी आ पर ओह फिर भी एक करोना वायरस की सैंपलिंग तो डरते हुए वह कह दें कि नहीं, उन्हां नूं की कहना चाहोगे तुसीं? उन्हां नूं यही कहना चाहोगे अगर किसी नूं लगता अज इस चीज़ की करोना महामारी का इन्नी क पब्लिसिटी हो चुकी है कि हर बंदे नूं पता कि इहदे सिमटम्स हैगे और की साइनस हैगे और किदां अपने आप नूं बचा के रखना, अगर किसी नूं लगता उन्हूं जरूर हैल्थ डिपार्टमेंट नूं रिपोर्ट करना चाहिए। बाकी ये है कि जिद्दां सरकार गाइडलाइनस दिंदी है अपने घरां विच रहो, एकांत रहो अपने घरां दे विच और समाजिक दूरी बना के रखो, अगर बहुत जरूरी काम हैगा फिर ही घरां तों बाहर जाओ और वह भी प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करके, अपना फेस मास्क यूज़ करो, अपने हाथ साफ रखो और जो भी सरकार दी गाइडलाइनस है उन्हें फॉलो करो। इस नूं लाइटली नहीं लेना चाहिए कि हाँ सरकार ने लॉकडाउन खोल दिता हैगा तो आप जिवें मर्जी बाहर जाइए। मैडम जी जिवें असीं देखदे बाज़ारां दे विच गड्डियां भर भर के लोग जाते हैं, एक बाइक ते तीन तीन जने जाते हैं, बाज़ारां दे विच भी वो आपस में दूरी नहीं बना के रखते, उत्थे तुसीं सख्ती भरे शब्दों के की कहना चाहोगे? एक पासे तुसीं अपने परिवार को छड के इत्थे ड्यूटी निभा रहे हो, वो अपने परिवारों के बच्चों के अपने पूरे टब्बर के रह रहे हैं, उन्होंने की संदेश देना चाहोगे? उन्होंने यही संदेश देना चाहूँगी कि हाँ थोड़े सारे हरेक बंदे अपनी फैमिली प्यारी है, तुसीं अपने वास्ते नहीं अपनी फैमिली दे वास्ते अपनी प्रोटेक्शन रखो, अगर बाहर जाना बहुत जरूरी है फिर ही जाओ और प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करो, डिस्टेंसिंग बना के रखो, अपने वास्ते नहीं अपने बच्चों के वास्ते बुजुर्गों वास्ते अपना ध्यान जरूर रखो और इकट्ठ नूं फॉलो ना करो। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। थैंक यू। इन्हें मैडम डॉक्टर प्रियंका जी जिन्होंने बहुत सख्ती भरे शब्दों के नाल प्यार नाल भी दस्या कि असी देखो कितनी ड्यूटी सख्त दिन ते रात तुहाडी सेहतयाबी दे लई तुहानू तंदुरुस्त रखण दे वास्ते दे रहे ने। आओ सच्ची मुची आपां अपने परिवार नू अपने घरां दे विच लैके बैठीए, जे जरूरी जाना ही है तो इकल्ले घरां तों बाहर जाइए। मैनू आस है कि तुसी डॉक्टर साहिबान दी गल नू मन्नोगे और ये जिहड़ी जंग हैगी आ करोना वायरस की आप सारे ही रल के जिथे डॉक्टर साहबान अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, पुलिस मुलाजम निभा रहे हैं, सरकार निभा रही है, तो तुम भी मैं आस है कि अपने घर रह के ये करोना महामारी की जी जंग जितने उपराला करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम देखते रहो NKNTV।